खबर अंबेडकर नगर से है, जहां नव दंपति को 10,000 रुपए उपहार दिए गए, तो वहीं वधु के खाते में 35,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वरदान साबित हो रही है। समाज कल्याण कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विकास खंड जलालपुर में सबसे अधिक 110 जबकि सबसे कम कटेरी व भीटी ब्लॉक से 25-25 पंजीकरण हुए। विकास खंड भियाव से 80, जहांगीरगंज से 70, रामनगर से 75, अकबरपुर से 55, बसखारी से 32 पंजीकरण हो चुके हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में से 5 पंजीकरण हुए हैं। योजना के तहत प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की राशि शासन से प्राप्त होती है। वधु के खाते में 35,000 रुपए भेजे जाते हैं, जबकि 10,000 रुपए का उपहार दिया जाता है। 6,000 रुपए व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई थी। अब तक 2022-23 में जिले को 1,333 का लक्ष्य मिला था, जिसकी तुलना में दिसंबर 2022 तक 811 जोड़ों का विवाह हुआ। ऐसे में अब तक 2,490 जोड़ों का विवाह हो चुका है। अंबेडकर नगर से दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।